अच्छा मैं पूरे सारा योग दर्शन पढ़ा देता हूँ और छोटे से बच्चे से पढ़ा लेता हूँ। ये दो बेटियां बैठी हुई इधर आओ मेरे पास, अब मैं आपको पूरा योग दर्शन इन बच्चियों से पढ़ा देता हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि आप जब तक ज्ञानी नहीं, ज्ञान नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिलेगा, मैं पहला, क्योंकि मुझे तो योग दर्शन पूरा आता है और मैं वेद के भी बहुत से जो चारों वेदों की भी बात इनसे बच्चों से आपको बताऊंगा। इनको कुछ नहीं पढ़ा रखा अभी तक, ना चार वेद पढ़ा रखे हैं, ना इनको छह दर्शन पढ़ा रखे हैं, ना उपनिषद पढ़ा रखे हैं। चलो मैं उपनिषद भी इनसे पूछता हूँ। ऊपर आ जाओ, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थ्री में, ये थर्ड में पढ़ते हैं, और आप थर्ड? दोनों ही थर्ड वाले हैं। अच्छा तो अच्छा बताओ, अब योग दर्शन में सबसे बड़ा पाठ है अष्टांग योग का। किसका है? अष्टांग योग। अभी इन्होंने अष्टांग योग तो पहली बार सुना है, क्या शब्द है बोलो? अष्टांग योग। अष्टांग योग, बड़े बुद्धिमान हैं बच्चे तो। चलो एक बार में कोई बोलो तो याद भी हो जाता है इनको। अब आपसे मैं पूछता हूँ, फिर आपसे इनसे पूछूंगा तो आप भी बता देना, ठीक है? ये बताओ अष्टांग योग में सबसे पहला है यम, बोलो यम। नियम? नियम। आसन? आसन। प्राणायाम? प्राणायाम। प्रत्याहार? प्रत्याहार। प्रत्याहार। धारणा? धारणा। ध्यान? ध्यान। समाधि? समाधि। ठीक है, ये शब्द इनके लिए बिल्कुल नए, क्योंकि उन्होंने पहली बार बोले हैं ये शब्द। आठ अंग हैं। अब यम नियम क्या होते हैं मैं इनसे पूछूंगा। बोले किसी की हिंसा करनी चाहिए, किसी को मारना चाहिए? नहीं, नहीं मारना चाहिए, यही अहिंसा ही धर्म है भाई। ये तो योग दर्शन में सबसे पहले ये था, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये पांच नियम है, पांच नियम। ये तो स्किल हो गया ना, बोलने का स्किल है। अब मैं दूसरा पूछता हूँ, झूठ बोलना चाहिए? नहीं। आप बोलते हो? नहीं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। अब बताओ, अब ये तीसरी क्लास के बच्चे हैं, इनको कोई ब्रह्मज्ञान नहीं हो रखा है, जिसको दुनिया में कहते हैं भाई ये तो ब्रह्मज्ञानी है, बड़े योगी हैं, तपस्वी हैं। अच्छा, चोरी करनी चाहिए? नहीं। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है, चोरी करना भी अच्छी बात नहीं है। अच्छा, आप जैसे ये पेन है, आपको ये पेन अच्छा लग गया तो आप चोरी करके क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि चोरी करना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात तो नहीं है, क्यों नहीं है? अब जैसे ये घड़ी है, अब आपको मान लीजिए अच्छी लग जाए तो आप चोरी करके ले जाओ? नहीं। क्यों? आपको यदि जरूरत है तो कहाँ से लाओगे? तो खरीदेंगे। खरीदेंगे तो क्या लगेंगे? पैसे। पैसे कहाँ से आएंगे? मेहनत करके कमा के। मेहनत करके कमा के। अब इन बच्चों को मुझे तो पता भी नहीं, क्या नाम है आपका? श्रद्धा। श्रद्धा। और आपका? वेदिका। वेदिका, नाम बड़े जबरदस्त है दोनों के, श्रद्धा और वेदिका। तो मेहनत करके आदमी को कोई सामान खरीदना चाहिए, मेरा कहने का मतलब जो था मैंने इनसे पूछा, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो कोई भी सामान लाना चाहिए तो किससे लाना चाहिए? मेहनत करके जो पैसे कमाए जाते हैं उससे सामान लाना चाहिए, इतनी सी बात है। तो अहिंसा योग है, सत्य योग है, चोरी ना करना योग है, और किसी के प्रति गलत भावना रखनी चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है। एक ही बात इन्होंने पकड़ रखी है कि अच्छी बात है वो करना चाहिए। तो ये क्या है? यम नियम, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माने अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर काबू रखो, किसी को गलत निगाहों से मत देखो, यही ब्रह्मचर्य है। किसी भी भाई को, किसी भी बहन को गलत निगाहों से देखना चाहिए? नहीं, नहीं देखना चाहिए। तो यही ब्रह्मचर्य है। सब का सामान इकट्ठा करके अपने पास रखना चाहिए? नहीं भाई, जैसे यदि हमने सारा अनाज अपने पास इकट्ठा करके रख लिया तो क्या दिक्कत होगी? एक तो रखने की जगह नहीं होगी और वो चोरी का सामान रहेगा। चोरी का सामान रहेगा, रखने की जगह भी नहीं होगी, सबका अनाज इतना, ये भी बात समझ में आती है भाई, सारा सामान रखेंगे कहाँ इतना सारा अनाज तो इनके उत्तर सुनिए आप, जो कहते हैं ना कि ये लोग समझते नहीं है, समझते सब कुछ है भाई,
ये छोटी सी श्रद्धा ही समझ रही है। परिग्रह कहते हैं चारों तरफ से इकट्ठा करते हैं और सब मेरा हो जाए, सब मेरा हो जाए। तो ये कह रही भाई रखोगे कहाँ सब, सारा अनाज तुम्हारा हो जाए, सारी जमीन तुम्हारी हो जाए, सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाए। हा? तो कुछ लोग सब पैसा इकट्ठा करके बाहर बैंक में जमा कर देते हैं, बोलते हैं ना स्विस बैंकों में काला धन जमा है, ये सब सुना है ना तुमने थोड़ा थोड़ा। तो खैर फिर सारा अनाज हमने इकट्ठा करके रख लिया तो फिर दूसरे क्या करेंगे, उन लोगों को तो खाने को मिलेगा ही नहीं। हाँ खाने को मिलेगा ही नहीं, इसलिए सबका अनाज इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अब बताओ यही भाई सब हमने इकट्ठा कर लिया तो फिर तो दूसरों को नहीं मिलेगा ना, और दूसरों को नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये अच्छी बात नहीं है। ये बढ़िया बात है कि अच्छी बात नहीं है कि दूसरों को खाने को नहीं मिले और हम सब इकट्ठा करके बैठ जाएं। तो ये इनको योग का जो मूल है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, पांचों के पांचों सत्यों का पता है, ये बच्चे को भी पता है। अब देखो सुचिता, कपड़े साफ रखने चाहिए कि गंदे, साफ। हाँ अब आप बताओ, चलो ये तो श्रद्धा से पूछा, वेदिका से पूछते हैं, कपड़े साफ रखने चाहिए कि गंदे, साफ। और यदि गंदगी लग गई तो क्या करना चाहिए, मान लीजिए इसमें मिट्टी लग गई क्या करना चाहिए, धो देना चाहिए, धो लेना चाहिए। तो जैसे कपड़े का बताया ऐसे ही अपने मन में गंदगी आ जाए तो उसको भी क्या कर लेना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। जोर से बोलो, साफ कर देना चाहिए। तो ये देखो ये भीतर वाली गंदगी की बता रही है, यही सुचिता यही योग है, शौच है ये, कि भाई गंदगी यहाँ लग गई, अब किसी को यहाँ गोबर लग जाए, मिट्टी लग जाए या और कोई गंदगी लग जाए, लैट्रिन पेशाब लग जाए, तो लटकाए लटकाए घूमेंगे कि साफ करेंगे वेदिका, साफ करेंगे। तो जब हम अपने शरीर पर गंदगी लग जाती है उसको साफ करते हैं तो अपने मन में भी गंदगी आ जाए तो उसको साफ कर लो, धोते मत फिरो उसको। यही सुचिता योग है, ये सोच ये योग हो गया। चलो अगला पूछते हैं वेदिका से, सुचिता हो गया है तो सुचिता सोच है, सुचिता मतलब पवित्रता, ऐसा है ना, इसको नाम भी याद हो गया, नाम भी याद कर रहे हैं होशियार, सुचिता बोल रहे हैं। अच्छा जो अपने को मिला हुआ है, जैसे आपको ये कपड़े मिले हुए हैं, जो भी आपको ये कपड़े मिले हुए हैं, इसमें आपको खुश रहना चाहिए या दुखी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। हाँ दोनों एक साथ बोल रही है, खुश रहना चाहिए। तो जो मिला उसमें खुश रहना चाहिए, यही संतोष है। जो मिला उसमें क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, यही संतोष है। तो ये कपड़े मिले उनमें खुश रहना चाहिए, जैसा मकान है उसमें भी खुश रहना चाहिए। और यदि किसी की माताजी गोरी हो और किसी की काली हो तो खुश रहना चाहिए कि नहीं, खुश रहना चाहिए। अब किसी की माता अनपढ़ हो और किसी की पढ़ी लिखी हो तो तो भी खुश रहना चाहिए। जो भी भगवान ने दिया, पढ़े लिखे माँ बाप दे दिए, अनपढ़ दे दिए, गोरे दे दिए, काले दे दिए, सांवले दे दिए, तो भी हमें क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, यही संतोष है। जो हमें मिला, जितने पैसे अपने घर में उतने से खुश रहना चाहिए कि लालच रहने चाहिए कि और दूसरे उतने से ही खुश रहना चाहिए, उतने से खुश रहना चाहिए। ये लो अब बताओ इसको, ये शास्त्र, ये पूरा योग दर्शन है, ये सोच संतोष। अच्छा बताओ मेहनत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। क्यों, मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो कमा के कहां से लाएंगे, अपना घर कैसे चलाएंगे। ये क्या बात है, घर चलाने की सोच रही है, देखो है? इसका मतलब इनको भी पता है कि घर चलेगा, परिवार चलेगा। अच्छा आप लोग पढ़ाई करते हो तो पैसा कौन लाता है, पैसा पापा, तो वो मेहनत करते हैं, फिर आप कहां मेहनत कर रहे हो, तो हम लोग भी बड़े जाएंगे तब करेंगे पापा के लिए, तो वो तो बड़े होंगे तब करेंगे, और अब क्या मेहनत करते हो, पढ़ाई करके, तो पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी तो मेहनत है, तो ये भी तब कर रहे हैं। इनका पढ़ाई करना, आपका पढ़ाई करना काम है और उनका कमाई करना काम है, तो पढ़ाई और कमाई दोनों ही मेहनत है, ठीक है ना। तो यही तप है, शौच संतोष तप और स्वाध्याय, ये थोड़ा बड़ा शब्द है, माने अपने भीतर एक गौरव होना चाहिए, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान की बेटी हूँ, मैं ऋषियों की बेटी हूँ, मैं एक बहुत ऊंची खानदान की बेटी हूँ, ये गौरव होना चाहिए। यही स्वाध्याय, अपना अपना मूल्यांकन, अपना अध्ययन, अपने बारे में गौरव। आपको अपने बारे में गौरव है ना, हाँ है।
आपके किस बात के ऊपर गौरव है बोलो? जैसे हम पढ़ाई करते हैं उस पे हमारे माता पिता हमारे लिए क्या करते हैं, कमा के लाते हैं, और क्या क्या करते हैं, और अपने ऊपर क्या गौरव है? जैसे तुम हो तो तुम्हारे हाथ पैर पूरे हैं कि नहीं है? पूरे हैं ना, लंगड़ी लुंगड़ी तो नहीं हो? नहीं, तो हम लोग का अपने ऊपर ये गौरव है। ये अपने ऊपर भी गौरव है कि देखो हम कितने अच्छे हैं, हमारे हाथ भी हैं पैर भी हैं, हम एकदम फुर्तीले हैं, फुर्तीले हैं, स्वस्थ हैं। डायबिटीज नहीं है ना आपको? नहीं है। कैंसर नहीं है ना? नहीं। किडनी फेल भी नहीं है? नहीं। दोनों आंखों से दिखता है? हाँ। दोनों कान भी पूरे हैं? हाँ। दांत गिर गया आपका? नया आ जाएगा, नया आ जाएगा। दूध का गिरा है बोलो? दूध का गिरा इसलिए नया आ जाएगा। नया आ जाएगा, ठीक है। तो अपने ऊपर गौरव होना चाहिए, यही स्वाध्याय है। अब ये भी देखो बड़ा शब्द है, फिर भी इनको समझ में आ गया। क्या शब्द बोला मैंने? श्रद्धा, स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्वाध्याय बड़ा शब्द है ना अभी। और अपने ऊपर क्या होना चाहिए? स्वाध्याय। स्वाध्याय गौरव होना चाहिए, अभी बताए ना, गौरव। तो अपने ऊपर गौरव होना चाहिए, ये तो सभी को होना चाहिए, क्या दिक्कत है? फिर ईश्वर प्रणिधान, भगवान पर भरोसा होना चाहिए कि नहीं? हाँ, होना चाहिए। अच्छा, भगवान है या नहीं है बताओ? है। कैसे? क्योंकि उन्हीं ने तो ये सारा, पहले आप बताओ फिर आपसे पूछेंगे। उन्हीं ने तो ये सारा संसार बनाया है। ओह, सारा संसार। आपने देखा कि संसार किसने बनाया? भगवान ने। आपके सामने बनाया था? नहीं। तो मेरे को पता है। किसने बताया आपको? मम्मी पापा ने। मम्मी, उनको किसने बताया? उनके मम्मी पापा ने। फिर उन सबको किसने बताया होगा? भगवान ने। भगवान ने कैसे बताया? उन्होंने एक इंसान बनाया होगा, वो भगवान होगा, भगवान इंसान का स्वरूप ले लिए होंगे और सबको बताया होंगे। ये लो, क्या बात है भाई। ये छोटे छोटे बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं कि शुरू में सारी चीजें बताने के लिए भगवान ने इंसान का रूप ले लिया होगा और उसने बताया होगा कि देखो ये ऐसी ऐसी बातें हैं। अच्छा, भगवान कौन कौन से ऐसे काम करता है जो इंसान नहीं कर सकता? भगवान आसमान पे रहता है, भगवान एकदम लंबा रहता है। कितना लंबा है? आसमान के जितना। आसमान जितना। फिर और क्या क्या करता है वो? कौन से शहर से आए हो? भिलाई, छत्तीसगढ़। तो आपने नारियल का पानी पिया? हाँ। तो वो नारियल में जो पानी है, वो नारियल तो ऊपर लगता है और पानी जमीन में रहता है, तो ये पानी कहाँ से कहाँ पहुँचता है? ये भगवान नारियल के अंदर डालते हैं। ये ना, भगवान जी नारियल के अंदर पानी डाल देते हैं। फिर देखो, अच्छा हम ये जो फल खाते हैं ये कहाँ पर लगते हैं? पेड़ में। पेड़ में। और फल कैसे कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, मीठे होते हैं, कड़वे होते हैं। हाँ। कैसे होते हैं? खट्टे, मीठे, कड़वे, सब तरह के। हाँ। करेला कैसा होता है? कड़वा। और टमाटर? खट्टा भी और नहीं भी होता है, सिंपल भी होता है, मीठा भी होता है, सब तरह के टेस्ट याद आ रहे हैं इसको। अच्छा, वो एक ही जमीन में एक क्यारी है, उसी के अंदर करेला लगाओ तो कैसा हो जाता है? कड़वा। हाँ, और यदि उसके अंदर आम आम का पेड़ लगाओ, आम आम भी यहाँ लगा हुआ है, इधर करेला लगा हुआ है, तो करेला कैसा हो जाएगा? कड़वा। और आम? मीठा। आम मीठा। तो मिठास कहाँ से आया? भगवान ने डाला। भगवान ने इंजेक्शन लगाया था? नहीं, वो पेड़ में मिठास डाल के तब दिए। भगवान जी ने पेड़ के अंदर ऐसा गुण डाल दिया कि वो उस पर लगने वाला जो फल है वो फल, लेकिन वो नीचे से जो भी न्यूट्रिशन लेता है वो तो कहाँ से लेता है? जमीन से लेता है। अब बताओ, इसने कोई साइंस पढ़ रखी? लेकिन अब ये भी बता रही है। अच्छा, ये सारी चीजें जमीन में, मिठास भी, कड़वाहट भी, ये किसने डाल दिया? भगवान ने। भगवान जी ने डाल दिया। अच्छा, कोई फूल लगाओ तो खुशबू एक जैसी आती है, अलग अलग? अलग अलग। ये खुशबू किसने दी? भगवान ने। भगवान जी देखे आपने? देखे हैं। कहाँ? अपने अंदर। ये तो
ये तो और आगे अपने अंदर कहाँ दिखे, मतलब यहाँ देखे कि यहाँ देखे सब जगह, सब जगह। भाई ये लड़की तो हारने वाली है नहीं, तो सब जगह भगवान है। हाँ। उस कैसे होते हैं, गोरे होते हैं, काले होते हैं, सब रंग के, सब रंग के। भाई अब इनसे ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं, इनके लिए ताली बजा दो जोरदार। सब रंग उसी के हैं, सब रूप उसी के हैं। क्या बात है, आपको कोई कविता आती है, कोई भजन आता है, कैसे? कोई प्रार्थना आती है? हाँ आता है। बताओ। कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसे प्रभु तूने, तालियां बजाओ भाई, अब तो कितना अच्छा भजन भी गा रहे। ये भजन किसे सीखा? ये मेरी दीदी और पापा ने। अच्छा, दीदी और पापा गाते हैं। आप भी याद कर लेना। स्किल में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, हमारे जैसे संगीत है तो इनको स्वर में थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है ना, लेकिन ज्ञान में कमी नहीं है, इसलिए ज्ञान सबको है और सब कर्म करते हैं, तो हम ज्ञान योग कर रहे हैं, कर्म योग कर रहे हैं। भक्ति, सबकी भक्ति भगवान में है ना, सबके मूल में क्या है, भगवान। ये धरती किसके आश्रय से टिकी हुई है? भगवान के। भगवान के आश्रय से सूरज में रोशनी किससे? भगवान ने। भगवान से ही है। इनसे तो कुछ भी पूछो, हर उत्तर इनके पास है। चलो, बात अच्छे बच्चे हैं। अब इनसे यही योग है और कुछ नहीं है। चलो भजन पूरा कर लो। कभी थकते नहीं है ये घोड़े, पुण्य सूरज के रथ में जोड़े। कभी थकते नहीं है ये घोड़े, पुण्य सूरज के रथ में जोड़े। रजनी बहने चला, ओ रजनी ब्याहने चला, चांद दूल्हा बना। रजनी ब्याहने चला, चांद दूल्हा बना। साथ चंद्रमा के तारों की बारात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कण कण में तू है समाया, प्रभु तेरी अनंत है माया। जग के कण कण में तू है समाया, जग से बाहर नहीं, ओ जग से बाहर नहीं।
भी जाए नहीं, जग से बाहर नहीं, फिर भी जाहिर नहीं, अपने दामन में कैसी करामात बांधी, साथ साथ बांधी, कैसे प्रभु तूने मौसम वर्षा सर्दी है मंद और ग्रीष्म, कैसी खूबी से बांधे ये मौसम वर्षा सर्दी है मंद और ग्रीष्म, ये बहार का समां, ये बहार का समां और ये पतझड़ खिजा, ये बहार का समा और ये पतझड़ खिजा, हवा बादलों के बीच बरसात बांधी, साथ साथ बांधी, कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी, कैसी प्रभु तूने। जलतर और जंतु चौपाए तूने सबके हैं जोड़े बनाए, पक्षी जलचर वो जंतु चौपाए तूने सबके हैं जोड़े बनाए, नाग और नागनी, नाग और नागनी, राग और रागनी, नाग और नागनी, राग और रागनी, साथ स्त्री के पुरुषों की जात बांधे, साथ साथ बांधे, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधे, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधे, एक दिन के रात बांधी, साथ साथ बांधी, कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी, कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। देखो भगवान में और इंसान में दो तीन अंतर है बस। भगवान ने बहुत सामर्थ्य दिया एक एक इंसान को भी, और उन इंसानों को ही सदी का महानायक बोल देते हैं कि ये इस सदी का महानायक है, ये फिल्म जगत का महानायक है, ये राजनीति का महानायक है, ये अध्यात्म का महानायक है, उनको रोल मॉडल बोल देते हैं, उनको आइकॉन बोल देते हैं, उनको आइडियल बोल देते हैं, दुनिया के सबसे बड़े धनवान लोगों में, बलवान लोगों में, प्रज्ञावान लोगों में, वैज्ञानिक लोगों में उस शुमार हो जाते हैं। इंसान और भगवान में क्या अंतर है? इंसान
सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता। एक परमाणु से लेकर के शरीर के एक कोशिका, रक्त की एक बूंद से लेकर बॉडी का एक सेल, स्टेम सेल, ये नहीं बना सकता इंसान। ये रीत नियम, यूनिवर्सल लॉ है, कुछ एक यूनिवर्सल सिस्टम है, डिवाइन सिस्टम है, डिवाइन क्रिएशन है, डिवाइन नॉलेज है और डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका, ये इंसान के बस की बात नहीं। तो सृष्टि को बनाना और उसको मिटाना, उसको उत्पत्ति करना, प्रलय करना, उसका संचालन करना, ये इंसान का काम नहीं, एक बात। दूसरा, इंसान सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है। इंसान सर्वव्यापक नहीं हो सकता, सब जगह एक साथ नहीं हो सकता, वो है। सर्वज्ञ नहीं हो सकता इंसान, सामान्य ज्ञान है उसको और डिफरेंट स्किल्स डेवलप कर सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं जान सकता। बस इतनी बातों को छोड़ दो, बाकी उस परमात्मा की उपासना, भक्ति, आराधना करते करते, ध्यान करते करते उसकी दिव्यता इतनी उतर जाएगी कि जमाने को भ्रम हो जाता है कि ये इंसान ही भगवान जैसा है। इसलिए उसको जो ऐसी इस दिव्यता में आ जाते हैं, जो भगवान की कृपा को पूरी तरह से पा लेते हैं, उन्हीं इंसानों को धरती पर भगवान नाम दे दिया जाता है। वैसे परमात्मा ब्रह्म तो एक ही है, वो कभी जन्म नहीं लेता, अजन्मा है, अजन्मा है, अजर है, अमर है, नित्य है, अविनाशी है, कभी नाश होता ही नहीं। अच्छा, तो मैं बात ही कह रहा था, बीच में बात आ गई ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की, जप, ओंकार का जप, ओम, ये वाचिक जप, ओष्ठ हिल रहे हैं, ये उपांशु जप है, और मन ही मन जप चल रहा है, संकल्प मात्र किया और मन ही मन ओम का जप हो रहा है, इसको मानसिक जप कहते हैं। और जप करने की आवश्यकता ही नहीं, भगवान में ऐसे अवस्थित हो गए, भगवान से प्रीति इतनी गहरी हो गई कि भगवान के सिवा और कुछ मन में आता ही नहीं, इसको बोलते अजपा जप। आप अभ्यास करना इनका, का तो एक शब्द में ही मन टिक जाता है, जिनका शब्द में मन नहीं टिकता, नाम मात्र में मन नहीं टिकता, उनको मंत्र दे दिए जाते हैं, ओम भू प्रभु तू प्राणों का आधार है, तू ही सबको प्राण देने वाला, भुवा सबके दुख दूर करने वाला प्रभु। जो भगवान की शरणागति में आते हैं उनके सब दुख कट जाते हैं, इसके बहुत गहरे अर्थ हैं, ये गायत्री मंत्र का अर्थ बता रहा हूँ। अच्छा बताओ, डिफरेंट केमिकल सॉस हार्मोन्स जो मेडिसिन के तौर पर लेते हैं, इनमें शक्ति किसने दी? वही बच्चों वाली बात है, तो उन सब ने एक उत्तर दिया कि आम में मिठास भगवान ने दिया, आम करेले में कड़वाहट, इसमें टमाटर में खटास, ये सब भगवान ने दिया है। तो जब भगवान ने ये सारी शक्ति साग सब्जियों में, वनस्पतियों में, डिफरेंट केमिकल्स और हार्मोन्स में दे रखी है, तो उसके नाम का जप इतने श्रद्धा से करो। तो मैंने ये देखा है और ये पूरी दुनिया में होता है, नाम हो जाता है कि कोई ईसाई है तो सोचते हैं कि ईसा मसीह ने ठीक कर दिया, गॉड ने ठीक कर दिया, कोई मुसलमान तो कहते हैं कि ये तो सब खुदा ने ठीक कर दिया, अल्लाह ने ठीक कर दिया, कोई हिंदू तो कहते हैं ये तो भगवान राम ने, कृष्ण ने, शिव जी ने, हनुमान जी ने ठीक कर दिया, भगवान जी ने ठीक कर दिया, परमात्मा ने ठीक कर दिया। अभी भी यहाँ पर आप देखेंगे लाखों लोग अभी कांवड़ लेकर के यहाँ से जाने वाले हैं, जा रहे हैं, हर एक मंदिर में कहीं हजारों, कहीं लाखों, कहीं करोड़ों लोग पहुँचते हैं। अरे मंदिर की तो बात छोड़ो, गंगा जी में नहाने के लिए करोड़ों लोग पहुंच जाते हैं, बोले इससे हमारे पाप कट जाते हैं। भैया, ये बाहर के प्रतीक मात्र आलंबन होते हैं, सारी शक्तियों का स्रोत तो केवल एक भगवान होता है। जिनकी भगवान के प्रति अनन्य आस्था है, वो कहीं मठ मंदिर गिरजाघर गुरुद्वारे आदि जाते हैं, वो उनकी आस्थाओं का प्रश्न है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन यदि आपके मन में आस्था है
तो आप घर पर बैठे हुए ही सारे आशीष पा सकते हैं, सब दुखों से मुक्ति पा सकते हैं।